स्वागत है हमारे यूपी लाइव 100 न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य हेडलाइनों पर। लोकतंत्र का मजाक बनाए जाने के बाद भी किसान आंदोलन के लिए राजनीति समर्थन लिया राकेश टिकैत। कोटा न्यूज, पति ने दोस्तों के साथ मिलकर पत्नी को किया किडनैप, फिर शराब पिला कर दिया गैंगरेप को अंजाम। यूपी में एक महीने पहले लापता नाबालिग बेटी की मां का आरोप, पुलिस वाले कहते हैं गाड़ी में डीजल डलवाओ तो ढूंढेंगे। पुलिस आई लाठियां बरसाई और उखाड़ ले गई तंबू, बड़ौदा में ऐसे जबरन खत्म कराया गया किसान का धरना। उत्तर प्रदेश में कोविड 19 के 247 नए मामले, 4 और संक्रमितों की मौत। बुलंदशहर बैरिकेड तोड़ कैंप में जागुसा टैंकर, ड्यूटी पर तैनात 2 जवान की मौत। अगर कोई ट्रैक्टर या गाड़ी से दिल्ली बॉर्डर जाता दिखा तो होगी कार्रवाई, बिजनौर एसपी ने चेताया। बजट 2021, यूपी के सीएम योगी बोले बजट आत्मनिर्भर भारत की मंशा के अनुरूप, हर वर्ग का ध्यान रखा गया। कांग्रेस विधायक मुरिया का आरोप, राम मंदिर का चंदा लेकर शाम को दारू पी जाते हैं भाजपाई। आंध्र प्रदेश, बुजुर्ग की लाश को कंधे पर उठाकर चली महिला पुलिसकर्मी, गांव वालों ने नहीं की मदद।